रवि सर चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे चौपाल देखने में काफी अच्छा लग रहा है सर। पीछे आपके खेत भी हैं सर। खटिया भी है, हुक्का भी है, ठेला गाड़ी भी है। अच्छा लग रहा है। लेकिन यहीं पे किसानों की कर्ज माफी हो जाती तो अच्छा होता। काफी राहुल गांधी बोल रहे हैं सोने नहीं देंगे सरकार को, तो इस किसान के लिए क्या संदेश है सर? देखिए, पहले हम एक बात कहना चाहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम आए प्रधानमंत्री जी को वो सोने नहीं देंगे, तो कल मैंने एक टिप्पणी की थी, यहाँ दोहराना चाहूँगा। ये भारत की राजनीति में एक निम्न स्तर की नई भाषा है। आलोचना करने का अधिकार होता है। 70 साल के आज़ाद भारत में 59-60 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, तो देश के लोग कितने चैन से सोए हैं कांग्रेस के राज में, ये कभी ना कभी तो विचार करना पड़ेगा। किसानों की चिंता होनी चाहिए, किसानी की चिंता होनी चाहिए। कर्ज माफी भी जब आवश्यकता होती है होती है, क्यों नहीं होती है? महाराष्ट्र में की गई, बाकी सरकारों ने की गई। हमारी सरकार की बड़ी सोच क्या है कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, किसानों की पूरी किसानी मजबूत होनी चाहिए, चाहे वो फसल बीमा योजना है या डिजिटल तरीके से जो सॉयल हेल्थ कार्ड है या बाकी इरिगेशन की सारी सुविधाओं को किया गया है। आपका इशारा 3 चुनाव की ओर है, मैं उम्मीद। बिल्कुल सर, 3 चुनाव में बात यही हो रही है कि कर्ज माफी के कारण ही कांग्रेस को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिल गया। देखिए, पहली बात आप ये जान लीजिए कि हमने कांग्रेस को शुभकामना दी, प्रधानमंत्री जी ने भी दी, मैं यहां भी दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ हम हारे हैं, बाकी दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी है। हमारी प्रामाणिक हार हुई है, हम नहीं मानेंगे। अब तो पूरा स्टैटिस्टिक सामने आ गया है। अगर 1800 वोट हमें मध्य प्रदेश में अधिक मिले होते तो हम 5 सीट और जीतते, और अगर 4700 वोट मिलते तो हम 9 सीट जीतते। तो ठीक है, लोकतंत्र में होता है, हार हार होती है सर। एक रन से हारे चाहे, बिल्कुल। इसलिए आपका ये कहना कि ये हो गया, 15 साल के बाद भी अगर शिवराज सिंह चौहान ने इतना बढ़िया फाइट दिया और बीजेपी ने दिया, तो हमारी सरकार का काम बोला है। मध्य प्रदेश में जो किसानों के लिए किया गया, 20% हाईएस्ट ग्रोथ रेट, ये बोला है। राजस्थान में तो आप लोगों ने हमारा सुपड़ा साफ करा दिया था, जो आपके यहाँ सर्वे होती थी और आप भी चर्चा करते थे अपने चैनल पर, बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो हम तो 30-40 पर निपटने वाले थे। वहां भी देखिए हमारा कितना बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ। देखिए, लोकतंत्र में जनता के निर्देश का विनम्रता से सम्मान करना चाहिए, लेकिन उससे आप ये तर्क निकाल लीजिए कि एकदम ये किया तो हम लोग का सफाया हो गया और यही रणनीति लगेगी, ये ठीक नहीं है। 3 राज्यों में जो नतीजा है, इसका क्या संदेश मान रहे हैं? नैरेटिव बदल गया है, अब माने कि जनता, अब कांग्रेस की लहर फिर से आ रही है? देखिए, इसका मुझे आपको बहुत एक सिंपल जवाब देना है। 26 मई को हमें बुलाएंगे ना आप कि नहीं बुलाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे सर, 26 मई को चर्चा कर लेंगे। देश जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने काम किया है, देश का सम्मान बढ़ाया है, देश का आर्थिक विकास बढ़ा है, देश में ईमानदारी से शासन हुआ है, जनता हमें आशीर्वाद देगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। कहीं ना कहीं कोई तो खामी रही होगी रवि सर, कि बीजेपी को इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन की जरूरत नहीं है ऐसे? नहीं, मैंने पहले ही कहा, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने बहुत बढ़िया काम किया था, इतनी बड़ी हार हुई है, विचार करना पड़ेगा, विस्तार से जाना पड़ेगा। और अगर कहीं भी हमारी सरकार नहीं बनी है तो इसमें मैं बहुत ही ईमानदारी से कहूंगा कि कुछ ना कुछ कमियां रहीं, उसको स्वीकारना पड़ेगा। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? समय कम है? नहीं, समय कम नहीं है, हमारा संगठन मजबूत है। आपने देखा रिजल्ट के दूसरे दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या किया, सारे प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, सारे मोर्चों की बैठक बुलाई गई, सारी रणनीति बनी, सारे मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे, नेशनल काउंसिल की मीटिंग होगी, हम लोग के दौरे लग गए, ये सब चल रहा है, चलेगा। तो आप मानते हैं कि अब राहुल गांधी को नेता मानेंगे आप लोग? देखिए, आप लोग उनको बड़े हल्के में लेते थे, कभी पप्पू कहा, कभी कुछ और कहा, अब 3 राज्यों में जीत के बाद। पहले मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी देश की एक बड़ी पार्टी रही है, और मैं आज भी कहूंगा राहुल गांधी वहां पर क्षमता से नहीं है, विरासत से है, इस बात को कभी नहीं बोलिए आप। अब कोई नेता बनता है या नहीं बनता है, या देश की जनता तय करती है, उनका काम तय करता है, तो बाकी आगे देखते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, राहुल गांधी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आज मैं उनको एक अनचाही सलाह जरूर दूंगा। जिस पद पर वो बैठे हैं, उस पद पर उनके पिताजी, उनकी दादी जी, उनके परदादा नेहरू जी, उनके परपर दादा मोतीलाल नेहरू,
राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद सभी बैठ चुके हैं। उस बड़े पद पर बैठकर जिस निम्न स्तर की बात कभी वो करते हैं वो कितना शोभायमान देता है ये उनको विचार करना है। लेकिन अब तो पप्पू पास हो गया, कांग्रेस तो यही कह रहे हैं भाई ऐसा है, तीन राज्यों में जीते हैं अब तो जननेता हो गए। कांग्रेस पार्टी की अपनी टिप्पणियों पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। अगर आप मैच की भाषा में बात करूं तो राहुल गांधी जी क्वार्टर फाइनल में अभी आए हैं, अभी सेमीफाइनल और फाइनल बाकी है। रवि सर एक चीज और आपसे पूछना, अभी राम मंदिर की बड़ी चर्चा हो रही थी, सुबह में राम माधव जी आए, सुबह से हर डिबेट राम मंदिर पे ही जा रही है। राम माधव जी पार्टी के महासचिव भी, उन्होंने कहा कि अध्यादेश लाना चाहिए और आपका ही मंत्रालय ऐसा है जिससे आपकी कलम से ही अध्यादेश निकलेगा, आपकी कलम से ही अध्यादेश निकलेगा। क्या कहता है देश का कानून मंत्री जो जो कभी रामलला का वकील भी रह चुका है? देखिए मैं चाहता हूं कि आपका प्लेटफॉर्म देश देखता है। हाँ मैं रामलला हिंदुओं का वकील रहा उस मामले में। उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला किया है, जहां पर रामलला विराजमान है, हिंदू मानते हैं राम का जन्म हुआ, इसको उन्होंने वैधानिक स्वरूप दिया है, वो हिस्सा उन्होंने हिंदुओं को दिया, उसके आगे निर्मोही अखाड़ा को दिया, उसके आगे उन्होंने मुसलमानों को दिया। एक बार मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरी पुरानी फुटेज निकालिए, उस केस को जीतने के बाद इलाहाबाद में उन्होंने टिप्पणी की थी और उसको मैं आज आपके चैनल पर दोहराना चाहता हूं। मुसलमानों ने उस मामले में कभी यह नहीं कहा कि अयोध्या हिंदुओं के लिए पवित्र है, राम उनके मर्यादा पुरुषोत्तम है और हिंदू मानते हैं कि राम का जन्म हुआ। उन्होंने कहा यह हमारी बाबरी मस्जिद है। तो हमने कहा था कि आप इसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं, अगर इस निर्णय को मानेंगे और राम मंदिर बनने देंगे तो एक नया भाईचारा, एक नया प्रेम, एक नए स्नेह का संचार होगा। अब नहीं माने लोग गए वहां पर। मैंने कल भी एक जगह कहा, आज भी मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को जल्दी तेज गति से सुनना चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास लोग आके सवाल पूछते हैं एक अधिवक्ता के रूप में और एक कानून मंत्री के रूप में कि एडल्ट्री का केस जल्दी सुनवाई हो जाता है, अर्बन माउस का केस जल्दी सुनवाई हो जाता है, सबरीमला का केस जल्दी सुनवाई हो जाता है, कुछ केस के मामले में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है कर्नाटक में आतंकवादी में, तो अयोध्या का मामला 70 साल से लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में 9 साल से अपील पेंडिंग है। और अभी तय नहीं कि जनवरी में सुना जाएगा कि नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी विनम्रता से अपील करूंगा और बहुत विनम्रता से, कानून मंत्री के रूप में नहीं, इस मामले में पेश हुए वकील के रूप में, कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई करे, ये देश की अपेक्षा है। अब जहां तक अध्यादेश की बात है, मेरे लिए उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, संवैधानिक दायरे में काम होना चाहिए। और चूंकि मैं इस मामले का वकील रहा हूं, आपने बताया है इतना एविडेंस अवेलेबल है अमिताभ जी, आज आपके दर्शकों के लिए मैं एक रोचक बात बताना चाहता हूं। 2001 में उस समय जज ने कहा कि हम खुदाई कराएंगे, तो हिंदू भी परेशान कि मुसलमान भी परेशान, क्या निकलेगा पता नहीं है। तो जहां रामलला विराजमान है उसके 50 फीट छोड़कर खुदाई कराई गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कहा गया तुम्हारे मजदूर खो देंगे, 2/3 हिंदू होंगे, 1/3 मुसलमान होंगे, 2 ADJ हिंदू सुपरवाइज करेंगे, 1 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मुसलमान सुपरवाइज करेगा। 7वीं शताब्दी से लगातार मंदिर निकल गया जिसका गर्भगृह रामलला के नीचे है। तो ये सारे सबूत हैं जिस पर एक अच्छी बहस की जा सकती है। हाँ देश की अपेक्षा है कि एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, वो हम सबों की अपेक्षा है, लेकिन ये संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। संघ के सरसंघचालक कह चुके हैं, सर कार्यवाह कह चुके हैं, VHP ने आंदोलन कर दिया है, रामलीला मैदान में संतों की भीड़ लग गई, क्या भारी दबाव नहीं है सरकार पे कि जल्दी से जल्दी काम करें? क्योंकि आपका कार्यकर्ता भी बीजेपी के, आपका लाभ बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में थे, वहां सांसद आवाज उठाने लगे हैं। देखिए आप इसको, अब मैं माननीय मोहन भागवत जी और किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इसे आप देश की एक पीड़ा के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? और मैं आपके सामने आज कुछ विषय छोड़ रहा हूं, देश में बहस होनी चाहिए। अब आप तो अनुभवी पत्रकार है ना, जब भारत आजाद हुआ था तो बचपन में मैं दिल्ली आया करता था तो मुझे बताते थे लोग कि इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की बड़ी सी मूर्ति थी, कहाँ गायब है वो। दिल्ली के चौराहे पर क्वीन विक्टोरिया
और एडवर्ड दी एट की मूर्तियां थी, वो मूर्तियां कहाँ हैं? मैंने जानने की कोशिश की तो वो आज रिंग रोड के आगे कोई मैदान के कहीं कोने में पड़ी हुई हैं। उस पर तो कोई बहस नहीं हुई। बाबरी मस्जिद गुलामी की मस्जिद थी, नमाज की मस्जिद नहीं थी। हिंदुओं की आस्था को नीचा दिखाने का वो कार्यक्रम था। और जिस समय मुझे याद है कि जब मैं जीत के आया था दिल्ली में, तो बीबीसी का लंदन से मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैंने उनसे बात कही थी कि अगर आज अजमेर शरीफ या जम्मा मस्जिद पर कोई तिरछी निगाह से देखेगा तो मैं खड़ा होकर उसको बचाऊंगा, क्योंकि उनकी आस्था की बात है। और मुझे मालूम है कि इस देश के बहुमत के मुसलमान भी ये मानते हैं कि हिंदुओं की आस्था के लिए हमें अयोध्या का मामला स्वयं आगे बढ़कर करना चाहिए। लेकिन सियासत आ जाती है, कुछ नेता लोग खड़े हो जाते हैं, मतलब अभी भी कोर्ट का रास्ता ही लगता है आगे चलेगा। मैं यही कहूंगा, संवैधानिक मार्ग से इसका रास्ता निकालना चाहिए। चलो रवि सर, इसका मामला भी क्लियर नहीं, लेकिन काफी आपके कार्यकर्ता और नेता हर कोई अब आवाज उठाने लगा है, जिम्मा आपके ऊपर है। आपने अपनी बात कड़ी कड़ी पूछ दी और मैंने उसका सरल सरल जवाब दे दिया कि हमारा कमिटमेंट पूरा है, लेकिन इसका मार्ग संवैधानिक है। रवि सर, तीन राज्यों में चुनाव हुए हैं, इसमें कई बातें देखने को आई हैं, जातियों में बटा, SC ST एक्ट की बात हुई जिसको लेकर कहा जा रहा है कि नुकसान सरकार का हुआ है, बीजेपी सरकार का हुआ है SC ST एक्ट में, जो आप लोगों ने संशोधन लाकर, आप लोगों ने अध्यादेश लाया, आपने परिवर्तन किया, कोर्ट के जजमेंट को पलटा, तो आपको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, अपर कास्ट आपसे नाराज हुआ, आने वाले दिनों में इसकी भरपाई करना जरूरी होगा? देखिए, हम जब सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी समाज की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर उज्ज्वला योजना में 5.5 करोड़ लोगों को गैस दी गई तो उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, पिछड़े भी थे, अगड़े भी थे, हमने तो किसी का ना धर्म देखा ना इबादत देखी। आज अगर मुद्रा योजना में हमने 12.5 करोड़ लोगों को 7 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, उसमें 50% SC ST OBC हैं, महिलाएं हैं। मैं IT मंत्री के रूप में डिजिटल इंडिया की बात करता हूं तो डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, तो हर को देते हैं, तो ये हमारी सोच है। हाँ, मैं आज भी मानता हूं कि वो निर्णय ठीक नहीं था, बहुत लोग उससे आहत हुए थे, लेकिन हम कभी नहीं मानते हैं कि उच्च वर्ग के लोगों को चोट पहुंचाने का यह कार्यक्रम था। हम भी मानते हैं दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कोई भी कानून हो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोगों को ऐसा लगा तो मैं आपकी बात से स्वीकार करता हूं, हमें उनके बीच जाना पड़ेगा और उनको समझाना चाहिए कि ना हमारे ऐसा इरादा था ना हमने ऐसा किया है, हम भाईचारे में विश्वास करते हैं और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। रवि जी, कोर्ट के फैसले के बाद भी आपने देखा राफेल को लेकर कांग्रेस काफ़ी आक्रामक है, खासकर उस बात को लेकर कि CAG की रिपोर्ट PSC में दे दी गई और आपने आपकी विभाग को एफिडेविट तक देना पड़ा। देखिए, आपने अच्छा किया सवाल किया, मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताने की आपसे अनुमति चाहूंगा। राफेल के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, 4 प्रमुख बिंदु हैं। देश को 25 वर्षों से मारक हवाई जहाज नहीं मिले हैं, तो देश के हित में फाइटर पायलट जरूरी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, अटल जी की सरकार में 2001 में शुरू किया गया था, हम चले गए, 2005 से 2012 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, 12 में टेंडर खोला गया, ये राफेल यानी जो थे वो सबसे लोएस्ट है, दसॉल्ट कंपनी, इसके बाद फिर उसको रोक दिया गया 13 में आकर के। मैं आपसे पूछूंगा किसने रोका। नरेंद्र मोदी सरकार जब आई तो मोदी जी के साथ भी वायुसेना के पदाधिकारी गए कि चीन और पाकिस्तान की वायुसेना बहुत मजबूत हो गई है और हमारा बेड़ा बहुत कमजोर है। आपको बताऊं, कारगिल युद्ध को आपने भी काफी देखा है पत्रकार के रूप में, वो जो कारगिल के पहाड़ की ऊंचाई पर हमारे एयरफोर्स में मारक क्षमता होती तो हमारे इतने नौजवान और पदाधिकारी ऑफिसर्स मारे नहीं गए होते, क्योंकि एयरफोर्स की मिसाइल से हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, शेल कर देते हैं। अब एक बात फिर समझिए आप लोग, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है कि आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी है, हवाई जहाज में एक बैठे या दो बैठे उसका दाम एक होता है, एयरफोर्स के प्लेन की रियल क्षमता होती है उसमें मारक क्षमता क्या है, उसमें मिसाइल है क्या, उसमें और वेपनरी है क्या,
और उसका दाम उसी पर होता है। फिर भी कांग्रेस इसमें क्या गलती निकाली कोर्ट के फैसले में? मैं आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कीमत बताओ, और यहां पर मैंने भी कहा कांग्रेस पार्टी गैर जिम्मेवार है। क्या उनकी कीमत बताएंगे तो पाकिस्तान और चीन तो खुश होगा कि इसमें यह मिसाइल लगा हुआ है, इसमें यह मिसाइल लगा हुआ है, तुमको मालूम हो जाएगा। और एक बात जान लीजिए, मोदी जी ने हेड स्टेट ऑफ के रूप में पाकिस्तान फ्रांस के प्रेसिडेंट से बात की, 36 विमान क्यों, 2 स्क्वाड्रन, एक में 18 विमान होते हैं, क्योंकि उसमें ना कोई अनिल अंबानी है ना कोई ऑफसेट है, वो बना बनाया आएगा। अब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कीमत दी, निर्णय की प्रक्रिया दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक ठाक है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम बात क्या कही, इसमें कोई कमर्शियल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। अब जो सीएजी की बात है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं और यहां के लोगों को बताना चाहता हूं। हमने कहा कि जब भी कोई वेपन खरीदे जाते हैं तो हम सीएजी को बताते हैं उसकी कीमत, और सीएजी जब रिपोर्ट देता है तो उसकी परीक्षा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है जो अपनी रिपोर्ट को संसद में देती है। ये हमने प्रक्रिया बताई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया कि यह प्रक्रिया हो गई है, इट हैज बीन डन, उसके करेक्शन के लिए एक आवेदन दे दिया है। तो हमारी ईमानदारी है ना कि आपसे एक टाइपोग्राफिकल भूल हो गई, इसको सुधार दीजिए। फिर कांग्रेस 50 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है देश भर में, ऐसा है हम 70 जगह पर किए तो थोड़ा वो सीख रहे हैं, हमसे वो सीखते हैं तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। राफेल चिपकेगा तो नहीं आप लोगों पे? मैंने पहले एक बता दीजिए, हम बड़े बुलंदी के साथ कहेंगे कि राफेल का डील हमने भारत की वायुसेना को मजबूत करने के लिए किया है, देश की सुरक्षा के लिए किया है, और ऐसा काम हम एक बार नहीं 10 बार करेंगे। हमारे यहाँ कोई कोतरोकी मामा और क्रिश्चियन मिशेल अंकल नहीं है, ईमानदारी से हम काम करते हैं। और इसको आप राफेल पर मत दीजिए, क्या ये सच्चाई नहीं कि राहुल गांधी आज भी सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगते हैं? आज भी मांगते हैं ना, जबकि कितना उसका वीडियो एविडेंस, डिजिटल एविडेंस आपके चैनल पर चल चुका है। तो राजनीति होगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, ये मैं अवश्य कहना चाहेंगे। सर, हम लोग मिशन 2019 की बात करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। आपसे एक सवाल ये है कि आज चिराग पासवान यहाँ पर आए हुए थे, पहले कुशवाहा जी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा सीट कम दे रहे हैं, तमाम खरी खोटी सुनाते हुए अलग हो गए, अब बारी ये लगता है चिराग पासवान जी की। मौसम वैज्ञानिक फिर बदलने लगे, उनका कहना है कि 2014 में मोदी जी विकास की बात करते थे इसलिए युवाओं ने साथ दिया, उन्होंने भी साथ दिया, इस बार उनका एजेंडा मोदी जी का बदल गया है इसलिए वो सोच में पड़े हुए हैं, राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, एनडीए की बैठक नहीं होती ये सवाल उठा रहे हैं, तो उनकी चिंता बहुत ज़्यादा हो गई है रवि सर। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, 2019 की बात जो कर रहे हैं तो एक मुझे आप लोगों से छोटी सी शिकायत है, जब से हम जीते हैं 14 से ही बड़े अनुभवी पत्रकार बैठे हैं, 19 का क्या होगा? मैंने अभी हम जीत के कुर्सी पर भी नहीं बैठे हैं, 19 में क्या होगा? 14 गुजर गया, 15 में, 19 में क्या होगा? एक बाई इलेक्शन हो गया, 19 में क्या होगा? तो ये जो 4.5 साल गुजरे हैं इसमें 19 पर कितनी पंचायत हुई है यह आप तय करें, इस बार आपका 19 का मामला बनता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सोच थी कि क्या इस विजय को नहीं माना जाए। और देखिए, आज आपके सामने अमिताभ जी, मैं बता रहा हूं, एक हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, तीनों राज्य का रिजल्ट आया, उन्होंने ट्वीट करके कांग्रेस को बधाई दी, सरकार बनाइए, और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत का उन्होंने इस्तकबाल किया। और याद करिए, सोनिया जी को 1.5 साल लगा मोदी जी को बधाई देने में, ये अंतर होता है। अब जहां तक हमारे एलाइज की बात है, हमारे एलाइज सब बहुत समझदार हैं, हम उनका सम्मान करना जानते हैं, अगर उनकी कोई चिंता है तो मिलकर बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब आपने कुशवाहा जी की बात कही, उनको रहना चाहिए था, अब उनकी पार्टी ही साफ हो रही है चुनाव के पहले ही बिहार में, हमारी अपेक्षा थी कि वो समझेंगे। अब जब कुनबा बड़ा हो गया है, जदयू भी आ गई है, तो हमने भी सीट कुछ खोई है, सबको एडजस्ट करना पड़ता, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। हमारा एनडीए मजबूत है ईमानदारी से, और हम ये चुनाव जीतेंगे जो लोकसभा का होगा। आपने देखा होगा, जहां पर अगर स्थानीय कारणों से लोगों में शिकायत थी, मैं भी प्रचार कर रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी का सम्मान सभी कर रहे थे, ये काम बोल रहा था, उनका व्यक्तित्व बोल रहा था। तो रवि सर, उसके लिए शुभकामनाएं मिशन 2019 के लिए, लेकिन दो छोटे सवाल पर्सनल, आप हर मर्ज की दवा कैसे हैं सरकार के लिए या पार्टी के लिए? मैंने शुरू में आपका इंट्रोडक्शन ऐसे ही किया था। देखो भैया, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आज भी मैं अपने को कार्यकर्ता ही मानता हूं,
मेरे जीवन के कुछ बड़े वसूल हैं कि हमारी पार्टी बड़ी होगी तो हम लोग बड़े होंगे, और हम लोग उसी दृष्टिकोण से काम करते हैं। बाकी अगर पार्टी के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा होती है कि पार्टी का पक्ष मैं ही रखूं, तो मैं भी एक हूं, कई लोग रखते हैं, अरुण जी भी रखते हैं, ऐसा कुछ उसमें मुझ में स्पेशल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने पार्टी पर मुझे गर्व है, अपनी विचारधारा पर गर्व है, और जिस तरह से देश को हमने बदला है, आगे और बदलेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास। और डरते सहमते दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, कार्यकर्ता भी कहते हैं और कई लोग कहते हैं रवि सर गुस्सा बहुत जोर से आते हैं और डांटते बहुत जोर से। मैंने आपको डांटा क्या? नहीं सर, मैं नहीं, आप पहले बता दें। नहीं सर, मैं आधे घंटे से आपको झेल रहा हूँ ना। आप तो हर कड़े कड़े तीखे तीखे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं सर। अभी तक तीन तलाक का सवाल क्यों नहीं पूछा जनाब? अब जरा हम भी आपसे कुछ पूछें। पिछली बार पूछा था सर। नहीं, मुझे बताइए ना, तो इस पंचायत में क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप सर? अब तीन तलाक इंप्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं? देखिए, आज आपके मंच से मुझे कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछना है, तीन तलाक का पास होने देंगे या कि नहीं होने देंगे? राहुल गांधी आजकल बहुत नारी शक्ति की बात करते हैं, अच्छी बात है। देखिए, तीन तलाक मैंने क्यों बोला, यह बहस मैं चाहता हूं करना, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, कानून लोकसभा पारित होने के बाद, तीन तलाक धड़ल्ले से चल रहा है। रोटी काली रह गई तो तीन तलाक, विदेश से डाल दिया तीन तलाक, हैदराबाद की महिलाएं, यूपी, बिहार, आज तक चल रहा है। क्या हम लोग नारी सम्मान के लिए, नारी गरिमा के लिए एक नहीं हो सकते? और मुझे इस बात की आशंका है कि कांग्रेस पार्टी अड़ंगे डालेगी, क्योंकि वहां वोट बैंक सामने आ जाता है। क्या एक तरफ आप महादेव के दर्शन करिए, आप अपने गोत्र को बताइए, आप कैलाश भी जाइए, जरूर जाइए, आपका अधिकार है। ये जो वोट बैंक की चाहत है ना, ये ठीक नहीं है। और आज मैं बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूं कि अगर जो चीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सहित 22 देशों में, इस्लामिक देशों में तीन तलाक नियंत्रित हो सकता है, तो भारत में क्या समस्या है? समस्या है वोट बैंक। इसका जवाब चाहिए, जवाब देना पड़ेगा। चलो, उम्मीद करेंगे कांग्रेस जल्दी इसका जवाब दे और संसद में दे। रवि सर, हम आपसे सिर्फ 5 सवाल पूछना चाहेंगे जिसका जवाब यस और नो में होगा। अरे बाप, ये क्या है? कोई यस और नो का एक जवाब है। आशीष, अमिताभ बच्चन जी का कौन सा शो होता है वो? केबीसी सर। केबीसी है क्या? ये दिखाना है हमको? नो होगा तो पब्लिक को दिखाना है सर। अगर नो होगा ये 5 सवाल। चलिए साहब, इन तीन चुनावों के बाद क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है? क्या इन तीन चुनावों के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी? देखिए, मैं आपको इसमें सवाल यस्तों का नहीं है। और उनकी पार्टी जीती है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए खुशी का मौका है। लेकिन जहां तक लोकप्रियता का सवाल है, आज भी यूपी में तो दोनों पार्टियां कह रहे हैं कि इनको हम 2-3 से अधिक सीट नहीं देंगे, यही मैंने सुना है। तो लोकप्रियता का पूरा पैमाना, अगर वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो लोकसभा के चुनाव का आप इंतजार करिए। हाँ, उनकी तीन चुनाव में जीत हुई है, तो मैंने पहले भी बधाई दी, आज भी बधाई दूंगा। दूसरा सवाल, महागठबंधन बनेगा तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? नहीं, अच्छा है, ये सवाल का थोड़ा मुझे जवाब देने दीजिए। महागठबंधन को आप क्या समझते हैं? जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, नहीं 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 लीजिए साहब, नो हो गई बात। अब बताऊं, ये कहीं का ठीकरा, कहीं से जोड़ा। देखिए, देवेगौड़ा और गुजराल साहब का जमाना चला गया अमिताभ जी। अब आज देश की नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है, तो वो देश में अपेक्षा करती है कि एक स्थायी सरकार बने, मजबूत सरकार बने। और आईटी मंत्री के रूप में जब देश के नौजवानों में उत्साह देखता हूं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्या विश्वास है। अब ये बताइए कि ममता जी का क्या है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, और चंद्रबाबू नायडू का क्या है बंगाल में, ये अखिलेश जी का क्या है गुजरात में? तो जब देश में आएगा तो सिर्फ मोदी का विरोध, तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, मजबूर सरकार या मजबूत सरकार, स्थायी सरकार या हिलने डुलने वाली सरकार। तीसरा सवाल, चुनाव से पहले क्या राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा? अब देखिए, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो भी देश के कानून मंत्री से। हमने पहले ही कहा, राम मंदिर बनना चाहिए, निश्चित बनना चाहिए, और संवैधानिक मर्यादा में हमारी पूरी कोशिश होगी। यस, चुनाव के पहले कई सहयोगी पलटी मार रहे हैं, नीतीश कुमार पर तो भरोसा है? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में आपने सवाल किया, तो आप एक बात बताइए, हम दोनों एक ही प्रदेश से आते हैं, नीतीश कुमार जी ने लालू को क्यों छोड़ा? वो तो हमसे अलग हो गए थे। लालू जी के भ्रष्टाचार के कारण, परिवार के भ्रष्टाचार के कारण उसका जवाब नहीं मिला।
तो नीतीश जी में व्यक्तिगत ईमानदारी है, उसका सम्मान होना चाहिए। हम लोग 18 साल साथ रहे हैं, आगे साथ रहेंगे और बिहार में बहुत ही प्रभावी प्रामाणिक जीत होगी। रवि सर, आखिरी सवाल थोड़ा इमोशनल है, यस और नो चाहिए चाहेंगे, क्या रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब ना यस है ना नो है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये अमिताभ सिन्हा अपने चौपाल में तय नहीं करेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी। तो पार्टी तय करेगी तो लड़ेंगे, पार्टी कहेगी पार्टी को लड़वाओ तो लड़ेंगे। लेकिन आजकल आप हमारे राजनीतिक भविष्य को लेकर बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, मामला क्या है अमिताभ जी? नहीं जरा मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं दो चौपालों में गया तो आजकल आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे यही सवाल उठा जाता है, तो आजकल लगता है कि लोगों में मेरी रुचि बढ़ रही है। सवाल जनता के, सर मेरे नहीं, ये जनता के सवाल थे सर।